ये देखो दोस्तों कितनी भव्य मूर्ति है यहाँ पे भगवान श्री बजरंगबली जी की। राम सरोवर के जो राम तीर्थी के सरोवर के बिल्कुल सामने भगवान बजरंगबली की मूर्ति, बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पे। राम तीर्थी में ही आपको मिलेगा बाबा बालकनाथ जी का मंदिर। तो आइए ले चलते हैं बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के अंदर। दोस्तों पूजनीय माता लाल देवी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन का बोर्ड लगा हुआ है राम तीर्थी में, तो ये भी इसमें बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिले हैं। पिछली बार जब हम यहाँ पे आए तो काफ़ी रश था, काफ़ी भीड़ थी, और सबसे पहले यहाँ पे नंदीगण महाराज आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने को। और नंदीगण महाराज जी के कान में कहते हैं कि कोई भी मन्नत मांगे तो वो पूरी होती है। उसके बाद ये बहुत सारी मूर्तियाँ जो है, कलाकृतियाँ जो है वो दर्शाई हुई हैं भिन्न भिन्न तरह से। ये सुदामा महाराज और कृष्ण जी का बताया हुआ है, ये भगवान श्री कृष्ण जी मटकी फोड़ रहे हैं अपने बाल सखाओं के कंधे पे सर रख के, सॉरी पैर रख के। तो ऐसे बहुत सारे आरती का आपको दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। आरती शुरू हो गई के संग, ये आगे इसमें से मगरमच्छ में से हम निकलेंगे यहाँ से। भगवान शरण कहूँ मैं किसकी, और ना दूजा और ना दूजा आस करूँ मैं जिसकी। हरिओम जय दीश हरे जन परमात्मा तुम अंतर्यामी को कुमदी। हरिओम जय जगदीश हरे। शिवलिंग, दिव्य शिवलिंग आपको दोस्तों यहाँ पे बता दूँ मैं। बच्चे भी जो है नंदी जी के कान में बोलते हुए अपनी कोई कुछ मनोकामना लेकर आया है, कोई कुछ मनोकामना लेकर आया है, तो सारे ही अपनी मनोकामना नंदी महाराज जी को व्यक्त करते हुए। एक चीज़ देख के मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा, ये प्राचीन मंदिर है, एक लवकुश की पाठशाला है, उसके बाहर ये, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल के ऊपर आप ये राजनेताओं के फोटोज़, उनके पोस्टर लगाओगे तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पे केजरीवाल साहब का फ़ोटो लगा हुआ है, अपना भगवंत मान जी का फ़ोटो लगा हुआ है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी यहाँ पे। ये यहाँ पे लगी है, जाने की तैयारी में है। हम रात को रुके थे यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स के पास, ये घर है, यहाँ पे हम रात को रुके हुए थे, सारी फैमिली जो है यहाँ पे रुकी। अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, सारी गाड़ियाँ तैयार हैं, रेडी हैं, सारे हम यहाँ से निकलेंगे। अभी दरबार साहब जाएंगे, दरबार साहब के बाद जो है हम लोग निकलेंगे बाबा बूढ़ा साहेब, उसके बाद हम लोग घर। मैं आ लूंगी वो।
शॉल फस गया बीच में, हो गया भंगड़े पाओ फिर। बाबा बुढ़ा साहेब अमृतसर। ये जलियांवाला बाग का प्रवेश द्वार, यहाँ से हम लोग एंटर किए हैं जलियांवाला बाग के अंदर।